क्या हुआ, क्या तुम्हारा बेबी को नहीं लेके जाए बाबू, नहीं लेके जा रहा। देखो इसको जो मादर कह रहा है बोल रहा है क्यों लेके जा रहा है, क्यों लेके पकड़ा क्यों, देखो 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 लग गया। क्या हुआ इस दवा के प्रयोग से किसी भी समस्या का 100% समाधान हो जाएगा। किसी भी समस्या के लिए मुझे कॉल करें। पॉप गाइड देने के बाद दवा पूरे भारत में वितरित की जाएगी, मुफ्त डिलीवरी। पक्षी को स्वस्थ रखने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल तारा की जानी। गाइस आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट से मैं बोल सकता हूँ। आप लोगों को पास मैंने दिखाया था मेरे सांकुल का रिजल्ट हो चुका है, मतलब सांकुल का रिजल्ट आया, 3 बेबी आया और 3 के 3 बेबी मतलब पूरा सेल्फिड हो गया। और सेल्फिड होने के बाद पूरा एकदम बाहर आके कुछ दिन से रह रहा है, मुझे लगता है वो पूरा एकदम सेल्फिड हो गया। फिर ये जो इन लोगों को जो एडल्ट पेयर है, एडल्ट पेयर का उन लोगों को क्या करना होगा, फिर से दोबारा अंडा वगैरह ले करवाना होगा। लेकिन जब बेबी रहेगा तब थोड़ा वो दिक्कत हो सकता है मेरे हिसाब से। तो इसलिए वहाँ पे जितना सारा बेबी है हमको अभी अलग करना है, मतलब देखेंगे पहले क्या क्या बेबी को चेक करना पड़ता है। जैसे सांड कुंड का बेबी अलग करने के लिए क्या क्या चेक करना पड़ता है वो पहले चेक करेंगे, वो पूरा डिटेल्स आप लोगों के पास शेयर कर देंगे। और देखिए उसको साथ साथ अगर एडल्ट में, मतलब सोचो यहाँ पे 2 पेयर, एक केस को मैं ले लेता हूँ एक केस को, और यहाँ पे देखिए एक पेयर मेरे पास जो सांड कुंड है, कलर देखिए काफ़ी ज़बरदस्त रेड फैक्टर में है। और देखिए इसका जो 3 बेबी हुआ है, 3 बेबी बाहर आके मैं देख रहा हूँ खाना खा रहा है। अब लोगों पास अगर कोई भी सांगुल का जो एडल्ट सान है वो जो अंडे वगैरह ले करने के बाद जो चिक्स वगैरह हैच हुआ है, अगर चिक्स आप अलग करना चाहते हो तो क्या क्या देखना चाहिए आपको। सबसे पहले जब चिक्स अलग होगा मतलब बॉक्स से बाहर आ जाएगा उस टाइम आप बाहर से दूर से फॉलो कीजिए। जब उसको पास आएंगे वो फ्लाई करके उड़ के चला जाएगा अलग जगह पे, मतलब केज में बॉक्स के अंदर जा सकता है, अलग नेट के ऊपर बैठ सकता है। लेकिन जो सीड्स हो फूड्स हो आप जो देते हो वो खाते कि नहीं खाते आपको देखना होगा, मतलब दूर से आपको देखना होगा जो वो लोग खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो लेकिन मैं दूर से मैंने फॉलो किया देख रहा हूँ वो आराम से सीड्स वगैरह खा रहा है, मतलब इसका मतलब होती है जो इसको अभी अलग करने का टाइम हो गया। उसको साथ साथ देखिए 3 बेबी हुआ है, 3 में कौन सा मेल कौन सा फीमेल होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है 1 फीमेल होगा 2 मेल होगा मेरे हिसाब से लग रहा है। लेकिन फिर भी डीएनए करेंगे, लेकिन डीएनए किस तरीके से उठाना चाहिए, ब्लड टाइप को बात को कहाँ से फिदल लेना चाहिए और डीएनए लेने के बाद किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लिखना पड़ता है वो पूरे डिटेल्स आप लोगों के पास आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। उसके साथ साथ आपको जो मैं सांकुल का जो बेबी है पहले अलग करता हूँ, ठीक है, क्या क्या देखना पड़ता है। तो चलो पहले इसका अंदर चला जाता हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है जाना अंदर जाने के लिए, इसलिए जगह बहुत संकट है, मतलब छोटा जगह है अंदर जाने के। लेकिन ये जो केज है बड़ा साइज में, लेकिन अंदर जाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है मेरा। ओके ये को पकड़ लिया। मैं चाहता भी हूँ, मैं अगर मन चाह तो इसको मैं हैंड फ्रेम बना लेता, मतलब मैं इसको हैंड फीडिंग के लिए उठा लेता, लेकिन मैं क्यों इसलिए नहीं उठाया। एक्चुअली मुझे अलग जगह पे मैं जॉब करता हूँ काम करता हूँ तो टाइम नहीं मिला, तो इसलिए सोचा। फिर अगर देख रहा हूँ इसको जो मदर पेयर है बहुत बढ़िया तरफ से अच्छे से फिटिंग दे रहा है, उसको फिटिंग ले रहा है, बट वाट्स का कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो मैं क्यों उठाऊँगा, मेरा हैंड टेम नहीं चाहिए ना, टेम नहीं है उतना जल्दी जीत कर लेंगे मेरे हिसाब से। ओके पकड़ लेता हूँ। ओके हाँ पहले देखना होगा क्या, देखिए ये वाट्स को बड़ा उमर हो चुका है तो मैंने क्लोज रिंग कर नहीं पाया, क्लोज रिंग मतलब कार्ड रिंग लगाना पड़ेगा मेरा। और पहले देखना होगा अगर एक चोचू पे हार देंगे तो जोर जोर से काट लेंगे, मतलब हो गया एकदम टाइट हो गया। और देखो क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारा बेबी को नहीं लेके जाए बाबू, नहीं लेके जा रहा। देखो इसको जो मादर कह रहा है बोल रहा है क्यों लेके जा रहा है, क्यों लेके पकड़ा क्यों, देखो 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 कहाँ से लेके नहीं जाएंगे इन लोगों को, सिर्फ अलग करेंगे तुम लोगों को पास से, और भी नया नया बेबी हम लोगों को दो, ठीक है इसलिए। और देखिए ये जो फिगर है, फिगर को यहाँ पे धार दीजिएगा, एकदम फुल टाइट है,
फुल टाइट है, मतलब ये पूरा सेल्फी हो चुका है और बहुत मतलब दूर से आपको फॉलो करना होगा। हाँ, ये सेल्फी हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, सेल्फी हो गया, एक बॉक्स अंदर चला गया, चला जाओ ऊपर, चला गया आ गया। और अच्छा, सब शान खून का बेबी को पकड़ेंगे आप, थोड़ा सावधानी से पकड़ना, किस लिए अगर पकड़ लिया एक बार आपने हाथ उंगली को पकड़ लिया सोचो वो फट गया, ठीक है। ये भी सेम है, देखिए एकदम सेल्फिड है, फिगर पूरा टाइट है, बस इसको भी अलग करेंगे। नीचे गिर गया था, चलो जी शायद ये मुझे लगता है थोड़ा बाकी है, ये मुझे लगता है थोड़ा बाकी है। किस लिए, अगर हाथ देंगे तो फाड़ देंगे, लेकिन फिगर देख तो हमको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन अलग कर दो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं इसको तुरंत इसको मामा जो मदर प्यार है उसको पास छोड़ देंगे। अगर इसमें जो एक बेबी है मतलब थोड़ा हमको लग रहा है थोड़ा नरम है, मुझे लग रहा है थोड़ा नरम है, अगर कोई दिक्कत होगा तो क्या करूँगा, जो इसको जो मदर प्यार है उसमें छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, ये अकेले है ना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मुझे लगता है ये बेबी अभी बाकी है, लग रहा है। ओहो हो 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 हो, तो गाइस देखिए मैंने पहले से लिख के रखा, और देखिए इस तरीके से लिखने हैं आपको, वो लोग लैब से इस तरीके से पर्ची पर हमारा जो पॉलीथीन वगैरह है वो लोग भेज देते हैं। देखिए आमिर गाजी पैराकिट आमिर, रिंग आई डी इतना, और शान कुरूर, ठीक है, और 13 नंबर, ये मेरा कार्ड रिंग, और ये मैंने प्लस है, डैश हो गया, रिंग पहनने का काम, और अभी यहाँ से इसको फेदर उठाएंगे, और देखिए फेदर लेना चाहिए कहाँ कहाँ, रुको बेटा रुको रुको, फेदर फेदर लेना चाहिए कहाँ कहाँ पे, रुको 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 रुको, कुछ नहीं कर रहा आपको, क्योंकि जो छीना है, ठीक है, यहाँ से कुछ लेंगे और एक जगह से लेंगे, यहाँ से उठाने का हो गया, और यहाँ से लेंगे दो, एक दो, यस। तो गाइस हो गया मेरा तीनों, मतलब जो शान का बेबी है इसको डीएनए उठाने के काम, और मुझे लगता है इसमें जो तीन बेबी है एक शायद मुझे लगता है आपका थोड़ा हल्का में है, लेकिन मेरे हिसाब से जो लग रहा है ये लोग तीनों तीनों एक साथ खाना खाता था, मैंने देखा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम मेरे नहीं होगा। और अगर आपको पास शान कुल रिजल्ट हुआ है उसको जल्दी तुरंत अलग करना चाहिए, अगर ये बेबी को देख रहे हो आप फेदर क्लियर नहीं है, इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है मैं देख रहा था इसको जो मेल है उसको जो बेबी को अपने आप जो फेदर वगैरह है वो काटना शुरू कर दिया, तो मैंने सोचा इसको अभी अलग करना चाहिए, इम्पोर्टेंट है अलग करना, और तीनों मैंने डीएनए सैंपल उठा लिया, इन लोगों को भेजना चाहिए, देखना वो कितना मेल है कितना फीमेल, मेरे हिसाब से दो मेल एक फीमेल हो सकता है, मेरे हिसाब से यही लग रहा है, लेकिन क्या होगा टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। तो गाइस अभी उनको देना चाहिए, जैसे आपका मैं सीट्स ले देंगे और उसको साथ साथ बात करके
प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइस वीडियो कैसी लगा कमेंट करना, मैं आप लोगों को बोला था हर टॉपिक के ऊपर वीडियो करूंगा, और नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट करना। और मैं दिल से कहता हूँ आप लोगों को, बहुत ही मेहनत करके एक वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो शूट करने के बाद उसको एडिट करना पड़ता था, वीडियो छोड़ना भी पड़ता है, यूट्यूब में बहुत ही मेहनत लगता है। तो आप लोगों पास मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। किस लिए देखिए, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों को और भी मोटिवेट मिलेगा, जो हाँ हम लोगों को वीडियो और भी अच्छा अच्छा करना चाहिए। आज का वीडियो ही खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे इस नए वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।